गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड की ऑनलाइन क्लास है ये। चैप्टर वन आपका चल रहा था क्या, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने इसमें पढ़ा था वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, यानी हमारा सिस्टम वर्क कैसे करता है, यानी हमारा कंप्यूटर जो है काम कैसे करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, मैंने इसमें आपको बताया था कि IPO साइकिल से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है, यानी IPO यानी इनपुट, ओ मीन्स आउट, आई मीन्स इनपुट, पी मीन्स प्रोसेस, ओ मीन्स आउटपुट। यानी कि मैंने आपको बताया था क्या, जैसे कि आपको आपके पास ऑरेंज है एंड आपके पास शुगर है, तो आपका ये क्या है, इनपुट है। इसे आप किस में डालोगे, आप इसे जूसर में डालोगे तो ये जूसर आपका प्रोसेस करेगा, और आउटपुट आपको इसमें क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको मिलेगा ऑरेंज जूस। ठीक है, आगे आ जाते हैं। सेम एज हमारा सिस्टम भी ऐसे ही बेटा वर्क करता है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। द ऑरेंज एंड शुगर आर द इनपुट टू द जूसर एंड प्रोसेसिंग इट एंड गिव ऑरेंज जूस एज आउटपुट। यानी जो इनपुट हमारा क्या है, इनपुट हमारा ऑरेंज एंड शुगर है, और प्रोसेस हमारा कौन कर रहा है, जूसर हमारा प्रोसेस कर रहा है, और आउटपुट हमें कौन दे रहा है, आउटपुट हमारा क्या, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, जूस हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इन द सेम वे अ कंप्यूटर आल्सो फॉलो द IPO साइकिल। सेम एज हमारा कंप्यूटर भी IPO साइकिल को फॉलो करता है। अ कंप्यूटर रिसीव्स डेटा, अ कंप्यूटर रिसीव्स डेटा इंफॉर्मेशन थ्रॉट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस। जो हमारा इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड और माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, यहाँ आप फिगर में देख रहे होंगे, इनपुट डिवाइस हमारा क्या है, कीबोर्ड और माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, द डेटा इज देन प्रोसेस्ड इनटू मशीन फुल इंफॉर्मेशन थ्रॉट अ प्रोसेसिंग डिवाइस CPU। और ये हमारा CPU क्या है, हमारा ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये प्रोसेस का डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस ये प्रोसेस करता है। ठीक है, द रिजल्ट इज शोन यूजिंग द आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर। और जो रिजल्ट शो करता है, यानी जो आउटपुट देता है, वो हमारा क्या है, मॉनिटर है और प्रिंटर है। ठीक है, व्हेन यू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर इट इज इनपुट। जब आप अपने कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। ठीक है, डेटा इज द रॉ इन्फॉर्मेशन, डेटा एक रॉ इन्फॉर्मेशन होती है। द डेटा इज प्रोसेस्ड एंड चेंज आर मेड टू द गिवन डेटा एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये चेंज आर मेड टू द गिवन डेटा। ठीक है, ये जो CPU आपका होता है वो प्रोसेस करता है, और आपके डेटा को किस में चेंज करता है, आपके डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करके आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑरिजिनेट मशीनफुल और यूजफुल टू द यूज़र। ठीक है, ये क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलती है और ये यूज़र के लिए यूज़फुल होती है, यानी यूज़र हम लोग हैं, ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी हमें जो आउटपुट मिलता है वही हमारे लिए यूज़फुल होता है, वही हमारा रिजल्ट होता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज शो एज द फाइनल रिजल्ट एज आउटपुट। और यही आपको जो आउटपुट मिलता है, यही हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, दिस इज हाउ टू इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल वर्क्स। इसी को हम IPO साइकिल बोलते हैं, यानी इनपुट हमारा दे रहा है कौन, कीबोर्ड एंड माउस। प्रोसेस हमारा कौन कर रहा है, CPU हमारा प्रोसेस कर रहा है। ओ यानी आउटपुट हमें कौन दे रहा है, मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है बेटा, अब देख लेते हैं। द इनपुट दैट वी गिव द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। जो हम इनपुट अपने कंप्यूटर को देते हैं उसे हम डेटा बोलते हैं। डेटा इज़ अ रॉ इन्फॉर्मेशन, डेटा एक रॉ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसमें तब कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, द CPU प्रोसेस दिस डेटा इन टू मशीन फुल इंफॉर्मेशन। और जो CPU होता है वो हमें मशीन फुल इंफॉर्मेशन में हमारा डेटा बदलता है, देन हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है,
It information is original and useful output. ये process होके, ठीक है, प्रोसेस होती है किसमें, सीपीयू में प्रोसेस होती है, देन हमें रिजल्ट हमारा कौन देता है, सीपीयू, ये हमारा आउटपुट जो है यानी हमारा मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये हमें यूज़फुल रिजल्ट यानी कि हमारे काम का रिजल्ट हमें वापस करता है। जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम देते हो वो आपका इनपुट हो गया, जो भी आप अपनी कॉपी में लिखते हो वो आपका इनपुट हो गया, ठीक है, और जो हम लोग आपकी कॉपीज़ को चेक करते हैं वो प्रोसेस हो गई, ठीक है, आपके वर्क पे हमने प्रोसेस किया, देन आपको जो आपका रिजल्ट मिल रहा है वही आपका फाइनल रिजल्ट होता है कि आप पास हुए या फेल, सेम एज आपका सिस्टम भी वर्क करता है। अब हम आ जाते हैं सीपीयू में। सीपीयू आपका क्या था, यही जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम के सारे चीज़ों को कंट्रोल करके वर्क करता है इसमें, ठीक है। देख लेते हैं, CPU stand for Central Processing Unit, इसे हम Central Processing Unit, इसकी फुल फॉर्म है, इसे हम Central Processing Unit कहते हैं, ठीक है। It is responsible for processing the data or input given by the user, यही responsible होता है हमें data देने का, यानी कि जो हमारा जो result होता है final result उसे ये देता है, कौन देता है, CPU देता है। All the parts of computer are connected to the CPU, सारे कंप्यूटर्स के पार्ट जो है किससे कनेक्ट होते हैं, सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। थर्ड, वायरस, किसके थ्रू, तारों के थ्रू यानी वायर्स के थ्रू, जितने वायर होते हैं, वायर क्या होते हैं, तार, जो आपके तार होते हैं, जैसे फ़ैन में तार लगाओ तब वो फ़ैन चलता है, सेम एज आपके वायर से सारे के सारे आपके कंप्यूटर के सिस्टम किससे कनेक्ट होते हैं, सीपीयू से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ देयर मेन पार्ट CPU consist of three main parts. जो आपके CPU होता है उसके three main part होते हैं, ठीक है। There are arithmetical and logical unit, यानी ALU, central arithmetical and logical unit, यानी ALU, control unit, यानी CU, memory unit, यानी MU, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट यानी ALU, ऑल द कैलकुलेशंस इन द कंप्यूटर आर डन बाई ALU, जितनी भी कैलकुलेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम से होती है वो सब कौन करता है, ALU यानी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट करता है, ठीक है। इट परफॉर्म्स अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये जो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है, जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होती है सिस्टम पे वो सबको कौन करता है, ALU यानी का क्या करता है, आपका अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट करता है, ठीक है। देन आपका क्या आता है, कंट्रोल यूनिट यानी CU, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट मैनेज एंड क्लिक ऑल द कंप्यूटर एक्टिविटीज़, जो आपका कंट्रोल यूनिट यानी CU होता है वो आपके क्या करता है, आपकी सारे कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है, यानी आपका कंप्यूटर कोई भी गलत वे पे काम ना करे वो उसे कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा, ठीक है। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल द पार्ट्स एक्टिविटीज टू द कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं उनके वर्किंग को यानी पूरी तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपका कंप्यूटर सिस्टम कोई भी गलत वर्क ना हो उससे ये सारा कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है। देन आपको क्या आता है, मेमोरी यूनिट यानी MU, मेमोरी यूनिट क्या है, मेमोरी यानी कि आप कह सकते हो जिसमें आप सारा कुछ स्टोर करो, जैसे कि आपका दिमाग है, आप अपने दिमाग में सारी बातें रखते हो, सेम एज आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, मेमोरी यूनिट होती है, वो आपकी सारी चीज़ों को संभाल कर रखती है, यानी आपकी सारी चीज़ें क्या, यानी सारी इंफॉर्मेशन और डेटा, ठीक है। मेमोरी यूनिट स्टोर्स द डेटा एंड इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंप्यूटर और प्रोसेसिंग इट मेन प्रोसेस दैट डेटा टू ALU एंड MU, यानी कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन और डेटा को संभाल कर अपने अंदर रखता
है। यही आपका क्या है, MU यानी कि मेमोरी यूनिट है। इसके बाद का वीडियो मैं आपको बोर्ड पर बना के दे रही हूँ बेटा, उसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा, देन मैं नेक्स्ट डेज की एक्सरसाइज कराऊँगी। थैंक यू।